कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारी के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलियेटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टेक्ट नंबर 9992571111, 8929551111। सतिकाल जी, क्या लग रहा है सरदूलगढ़ क्या चाह रहा है? सर, सरदूलगढ़ सीट के उपर जो एक बड़ा जोड़ा उम्मीदा सगिया वो आम आदमी पार्टी तो लगाइया सी, क्योंकि कालिया तो असं बड़ी पूरी तरह दुखी हाँ, कांग्रेस तो पूरा अक चुके हैं। जिहड़ियां आम आदमी पार्टी तो माड़ियां मूड़ियां उम्मीदां लाईयां सी साडियां, वह भी उन्होंने बिल्कुल मिट्टी पाती आम आदमी पार्टी ने। केजरीवाल सीधे मत्थे गेमां खेडदा जी, गुरप्रीत सिंह है जी कालिया दे विच बहुत पुराने टाइम तो आपदा सारे कार्यकारियां निभा रहा है, चक के उस नूं सीट देती वोट पाईए तां किहनूं पाईए। बुरी हालत है जी पंजाब दी, इस टाइम किसी के हाथ कोई वांग डोर नहीं हैगी, जिहड़ा पंजाब नूं शर्म आउंदी आपदे आप ते। इन्होंने CM चुनता जी, इदों पहलां उहदे इन्ने ब्लेम दारू पी के डिग पिया जी, उत्थे डिग पिया, रोण आउंदा सानूं पंजाब दे कैरियर दे उत्ते कि सानू उन्हां बंदियां नूं वोटां पाउणियां पै रहियां ने जिहड़े योग ही है नहींगे राजनीति दे। असीं बिल्कुल दुखी हाँ जी, जिहड़ा साडा भविख है सरदूलगढ़ नूं, खास करके मैं कहना चाहुंना कि साडी असीं नोटां दे उपर जाके वोट पावांगे, पर फिर भी साडे जिहड़े बजुर्ग आ उहनां नूं इहदे बारे इन्ना पता नहीं हैगा। पर साडे नाल जिहड़ी इक जगो 13वीं हुई है, तो मैं एक नौजवान की तरफ तो उम्मीद करदा कि जेकर कोई योग कैंडीडेट आजाद खड़ा होवे तां असीं उस नूं अपना समर्थन देवांगे। तीनों ही पार्टियों के जो लोग हैं वो ठीक नहीं? बिल्कुल राइट सर, जेड़ा साडा फोकस है ना, मैं थोनू साफ दसना चाहूँ, सरदूलगढ़ एरिया जेड़ा आजाद है, बड़े आजाद सोच दे लोग नेगे। पिछली बारी इत्थे की होया सीगा जदों आम आदमी पार्टी पहली बारी आई सी, तां बड़ा सोहना आम आदमी पार्टी नूं असीं हुंगारा दित्ता सी, क्योंकि जेड़ा इत्थे बड़े पुराने भुंदड़ साहब एक पुराने लीडर नेगे इत्थों दे अकालियां दे, पर करदे डक्का डाल नहीं गे। दूसरे नंबर पर आ गए जी कांग्रेस के, हमेशा जो उपर अकाली दल की सरकार हो तो कांग्रेस वाला जित जाता है, जो कांग्रेस की सरकार होंगी तो अकालिया वाला जित जाता है। तो सानू उम्मीद सी जी आम आदमी पार्टी तो, आम आदमी पार्टी ने जी भोला सिंह सीट देती, साफ है जी तुम एक चीज़ देखो भोले नू जिहड़ियां नाली तो परले पासे सारे पिंडां दे विच भोला जित रहा गा, नाली तो इधरले पासे हार जांदा है, की वजह है दी? साफ है कि इत्थे कोई ना कोई कंपेनिंग दे विच फर्क कीती गई आ, उस बंदे दी नीयत दे विच कोई खोट आया। तो इस बारी फिर उम्मीद जताई सी आम आदमी पार्टी नू, लोग कहिंदे सी कि जिहड़ी इह वोट है इह जिहड़ी टिकट है उस बंदे नू दिंदा जिहदा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं हुंदा, पर जिहड़े गुरप्रीत सिंह नू इन्हां ने इस बारी सीट दित्ती आ राजनीतिक कैरियर है, होर की है उसका? दसो हुण इस ते की होना चाहिए कि असीं बिल्कुल कोई बिल्कुल सहमत नहीं है जी। हुण तक केजरीवाल साहब ठुकराउंदे रहे आ भगवंत मान नू, क्यों ठुकराउंदे रहे आ? अगे दारू पींदा इह करदा उह करदा, अज CM बनाता फिर दसो चंगा हो गया? असी पूरी तरह दुखी हाँ जी, एक भी योग कैंडीडेट सरदूलगढ़ तो खड़ा नहीं होया, साडी मंडी दा साडे एरिए दा जीरो विकास है। इन्हां बंदियां नू जिहड़े नू मर्जी इत्थे स्टेज ते साडे किसी एक वोटर दा जवाब नहीं दे सकदे, और इत्थों दी जिहड़ी फिर मैं कहदा जिहड़ी सरदूलगढ़ दी लोक नेगे साडे आजाद विरती दे लोक आ, असी आजाद योग उम्मीदवार दी जिहड़ी लोड़ है सानू, सानू लोड़ नहीं हैगी आम आदमी पार्टी दे झूठे लारियां दी, ना सानू लोड़ है किसी मोफर दी ना किसी भुंदड़ दी। सानू आजाद कैंडीडेट अगर योग मिलता है तो असी बिल्कुल ठोक बजा के उहदे नाल तुरांगे, फंड असी देवांगे ते असी उस नू जितावांगे। यानी कि पार्टी दी ना जी, पार्टी कहदे वास्ते, क्योंकि विकदियां ने पार्टियां, विकदियां ने, सानू बकाऊ बंदे पसंद ही नहीं हैगे, और सरदूलगढ़ दे एक भी बंदे नू जिहड़े बकाऊ है वह पसंद नहीं है, क्योंकि पिछली पोलिंग दे विच मैं देखिया अगर आम आदमी पार्टी नू वोट रहे पै रही है ना तो वह कांग्रेसी है ना ही वह अकाली है, ठीक है ना जी। तो इतने आजाद बंदे नू जां पिछली बारी उहनू पाई सी, ठीक है उसने भी जो किया, पर असी जिहड़ियां पार्टियां तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगदे हां कि सरदूलगढ़ नू बख्शा जावे, पंजाब नू बख्शा जावे। नहीं जी, इतने कोई विकास नहीं होया जी, कोई विकास नहीं होया जी। कहाँ जाएगा ज़्यादा वोट? याद उम्मीदवार नो जी। तो इस वक्त हम सरदूलगढ़ में हैं और कुछ और लोगों से भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हाँ जी बाबा जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, क्या लग रहा है कुछ विकास हुआ सरदूलगढ़ में? नहीं भाई, मैं हरियाणा का। अच्छा, हरियाणा दे हो क्या? हाँ ठीक है। हाँ जी और लोगों से चर्चा कर रहे हैं और लोगों ने अपनी राय दी है, लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम जो ये जानकारी है वो तमाम लोगों तक पहुंचे और आने वाले समय में भी हम आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा करके आपको चुनावी माहौल है वो दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।